हरियाणा के चुनावी नतीजों और उनका हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों से कांग्रेसी नेता खुशी से झूम रहे हैं। अशोक गहलोत से लेकर आनंद शर्मा तक और अहमद पटेल से लेकर वीरप्पा मोइली तक सब ने कांग्रेस के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। प्रियंका वाड्रा भी अपनी खुशी का इजहार कर चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ न तो किसी ने की और न ही चुनावी सफलता के लिए किसी ने उन्हें श्रेय देने की जरूरत ही समझी। अब तक तो कांग्रेस में यही होता रहा है कि हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं और नेताओं के सिर फोड़ा जाता है और हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी को दिया जाता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी ने दोनों ही राज्यों में अपनी रैली की, कांग्रेस का प्रचार किया, लेकिन उनका नाम लेने वाला कोई नेता सामने नहीं आया। ये बात और है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता उनकी रैलियों से गायब रहे। हरियाणा में भी हुड्डा राहुल गांधी के करीब नहीं फटके। आखिर ये सब हुआ क्यों? माना जा रहा है कि आर्टिकल 370 को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो देश की जनता के गले नहीं उतरा। कांग्रेस भी इस मसले पर दो फाड़ हो गई और इसी वजह से हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक के बड़े नेता प्रचार के दौरान राहुल गांधी से दूर रहे और नतीजों के बाद किसी ने राहुल गांधी को श्रेय देना जरूरी भी नहीं समझा। माना ये जा रहा है कि राहुल गांधी इस वजह से खामोश हैं और अब तक नतीजों को लेकर उन्होंने न तो कोई ट्वीट किया और न ही कुछ कहा। मतलब साफ है, कांग्रेस का एक बड़ा गुट राहुल गांधी को किनारे लगाने में लगातार जुटा हुआ है और ये सब उन्हीं कोशिशों का नतीजा है।